नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज हम एनटीएससी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उसके ही एक बहुत बहुमूल्य विषय पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा विषय है अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स या अंक गणित की समस्याएं। दोस्तों, इस जो टॉपिक है, इसके प्रश्नों को सुलझाने के लिए आपको सारे जो गणित के जो नियम है वो मालूम होने चाहिए और अंग्रेजी के अल्फाबेट भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये दोनों अच्छे से मालूम है तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो कहता है कि यदि अनुपम और राजू की वर्तमान आयु 5:4 है, तो आज से 3 साल बाद अगर उनकी आयु 11:9 होगी तो राजू की वर्तमान आयु क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुपम की आयु को ए लिखेंगे और राजू की आयु को आर लिखेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे हम तो हमें मिलेगा कि ए अनुपात आर जो है वो 5:4 होगा। तो हम ए को कोई 5x लिख सकते हैं और आर को कोई 4x लिखते हैं। तो जो होगा ए अनुपात आर होगा वो 5x/4x जो 5:4 होता है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि उनकी 3 साल बाद की जो आयु है, तो अगर उनकी अभी की आयु a है तो 3 साल बाद अनुपम की आयु a+3 होगी और राजू की आयु r+3 होगी। तो इसका अगर हम अनुपात लिखेंगे तो आएगा 11:9। तो हम लिख सकते हैं कि a+3 जो है वो कोई 11y है और 8+3 जो है वो कोई 9y है। इससे हमें मिलेगा कि अगर हम a को 5x लिखते हैं तो 5x+3 11y आएगा और राजू की आयु 4x थी तो वो हम लिख सकते हैं 4x+3 9y। तो फिर ऐसा करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे दो जो है इक्वेशन आई है, जिसको हम यहाँ पे इस वाले को 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 1 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कि x जो है वो 2y है। तो अगर हम इसको x को 2y जो है पहली इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास आएगा कि जो 10y है जोड़ 3 11y देगा। तो इससे हमारे पास y 3 आएगा और x जो है वो 2y है तो x जो होगा वो 6 हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं कि उनने पूछे कि राजू की आयु कितनी है, तो राजू की अभी की जो आयु है वो 4x है। तो हम लिख सकते हैं 4×6 जो हमारे पास 24 आता है। तो हमारा उत्तर जो होगा उसकी आयु 24 वर्ष होगा, जो है विकल्प ए। साथ ही दूसरा प्रश्न कहता है हमें कि अगर शालू राखी से लंबी लेकिन मेघना से छोटी है, राखी उतनी ही लंबी है जितनी प्रेरणा है लेकिन कोमल से लंबी है, तो प्रेरणा कितनी लंबी है। तो इसके लिए हम जैसे पिछले प्रश्न में किया था, हम सबके जो नाम है उनके सामने एक एक लेटर लिखेंगे। तो शालू को हम S कहेंगे, राखी को R, मेघना को M, प्रेरणा को P और कोमल को K। तो पहला वाक्य कहता है हमें कि जो शालू है वो राखी से लंबी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शालू जो है वो राखी से लंबी है, मतलब S जो है वो R से बड़ा है। इसके बाद ये कहता है पहला वाक्य कि जो है शालू मेघना से छोटी है, तो मेघना को हम शालू के आगे लिख सकते हैं। तो M जो है वो S से बड़ा आ जाएगा और S जो है वो R से बड़ा आएगा। दूसरा वाक्य कहता है कि राखी उतनी ही लंबी है जितनी प्रेरणा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रेरणा और राखी बराबर है, मतलब P और R जो है वो बराबर है। और फिर दूसरा वाक्य ये भी कहता है कि राखी जो है वो कोमल से लंबी है, तो राखी को हम कोमल से लंबा लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो के से बड़ा है। तो अब हम उत्तर ढूंढते हैं। तुमने कहा प्रेरणा क्या है, मतलब तो पहला विकल्प ए जो है वो कहता है कि राखी से छोटी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रेरणा और राखी तो बराबर है, तो जो पहला विकल्प ए है वो गलत है। फिर जो है बी विकल्प कहता है कि कोमल से छोटी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रेरणा कोमल से लंबी है, तो विकल्प बी भी गलत है। सी कहता है कि मेघना से छोटी, मेघना देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो ये वाला जो विकल्प होगा सी वो सही है।
और डी कहते हैं शालू से लंबी, तो शालू जो है वो प्रेरणा से लंबी है, मतलब प्रेरणा शालू से छोटी है, तो डी भी गलत है, तो हमारा उत्तर होगा सी। साथियों तीसरा प्रश्न जो है वो कहता है कि 5 किताबें एक ढेर में पड़ी हैं, ई जो है वो ए के ऊपर स्थित है, सी जो है वो बी के नीचे स्थित है, ए जो है वो बी के ऊपर स्थित है और डी जो है वो सी के नीचे स्थित है। तो इनने पूछा है कि ढेर के नीचे जो है वो कौन सी किताब पड़ी सबसे नीचे, तो हमारे पास जो 5 किताबें हैं वो है ए बी सी डी ई। जो हमारा वाक्य है पहला वाला वो कहता है कि ए जो है वो ए के ऊपर है, तो हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि सी जो है वो बी के नीचे है, तो बी को हम ऊपर और सी को नीचे लिखते हैं। अब अगला वाक्य कहते हैं कि ए जो है वो बी के ऊपर है, मतलब बी जो है वो यहाँ आएगा ए के नीचे, है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं कि जो बी है वो ऐसे ए के नीचे आ रहा है। और आखिरी वाक्य कहता है कि डी सी के नीचे स्थित है, डी को हम यहाँ सी के नीचे लिखते हैं। तो अब इनने पूछे डेर के नीचे कौन सी किताब है, तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे क्रम के अनुसार तो ई आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी और डी, तो सबसे आखिर में डी है, तो उत्तर हमारा होगा डी। जो चौथा प्रश्न है इसको हमें थोड़ा ध्यान से सुलझाना होगा, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। ये कहता है कि 45 छात्रों की कक्षा में एक छात्र की श्रेणी 20वीं है, जब दो नए छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस छात्र की श्रेणी 1 अंक से गिर जाती है, तो उस छात्र के अंत से नई श्रेणी क्या होगी, तो हम एक एक वाक्य करके से सुलझाएंगे। तो ये कहता है कि पहले 45 छात्र हैं और इसमें इस छात्र की जो श्रेणी है वो 20वीं है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 20 लिख देते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि इससे पहले जो है 19 बच्चे होंगे और इसके बाद जो होंगे वो 25 बच्चे होंगे, जिससे इनका जो जोड़ होगा 20 जोड़ 25 वो आएगा 45। अब जो है वो कहता है कि दो नए छात्र आते हैं क्लास में, तो अब जो है 45 से बच्चे 47 हो जाएंगे हमारी क्लास में, और वो कहते हैं कि 20 से उसकी 1 अंक श्रेणी गिर जाती है, तो श्रेणी जो होती है वो रैंक होती है, अगर आपकी रैंक गिरती है मतलब जो ये वैल्यू है वो जो है वो बढ़ेगा, जो 20 है अगर उससे 1 अंक गिरेगी रैंक ये श्रेणी, तो हमारे पास 21 हो जाएगी, तो अगर ये 21 हुआ तो इससे पहले जो है वो अब 20 बच्चे हो जाएंगे, और अगर टोटल जो है हमारे जोड़ 47 है और इसकी 21वीं मतलब इसके बाद जो होंगे वो 26 बच्चे होंगे। तो इनने आखिरी सेंटेंस में पूछा है वाक्य में कि उस छात्र की अंत से नई श्रेणी क्या होगी, तो अंत से अगर हम देखेंगे तो उसके पहले अब 26 बच्चे आ रहे हैं, तो उसकी जो श्रेणी होगी वो 27वीं होगी, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी जो है 27वीं। इस प्रश्न के लिए आपको अंग्रेजी का अल्फाबेट जानना जरूरी है, तो आपकी सहायता के लिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया है, पर मैं कहूंगी कि इसे अच्छे से याद कर ले क्योंकि ये बहुत काम आता है आपके प्रश्न को सुलझाने के लिए। तो 5वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। तो हमारे पास जो शब्द है वो है सिलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश और सेलर। तो इसके लिए अब अंग्रेजी का जो शब्दकोश होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ए जो है मान लीजिए अगर वो बी से पहले आता है तो जो ए से जो वर्ड है वो स्टार्ट जो होगा शब्द वो भी बी से पहले आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सारे शब्द हैं हमारे वो एस से स्टार्ट होते हैं, तो इससे हम इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद जो आता है इसके बाद ई लिखा है और सब शब्दों में ई है, इससे भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल आता है 2 शब्दों में, फिर एन आता है तीसरे वाले शब्द में सेंड में, और फिर चौथे और 5वें शब्द में भी एल आता है, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एल जो है वो एन से पहले आता है, मतलब जिस शब्द एन आएगा वो सबसे आखिर में आएगा, तो 3 को हम ऐसे तीसरा जो शब्द है उसको सबसे आखिर में लिखते हैं। उसके बाद हम चौथे अक्षर पे जाते हैं, तो पहले में वो ई है, दूसरे में डी है, अब हमें तीसरा वाला देखने की जरूरत नहीं है, फिर चौथे में वो एफ है और 5वें में वो एल है, तो चलिए हम इन सबको ढूंढते हैं।
ई जो है वो यहाँ पे आता है, ये पहले शब्द का है, फिर डी जो है वो ई से पहले आता है, दूसरा वाला, फिर एफ जो है वो ई के बाद आता है, और एल जो है वो सबसे आखिर में आता है। तो जो पांचवा शब्द होगा वो मतलब हमारा सबसे आखिर में होगा, फिर एफ जो है वो चौथे में आ रहा है तो वो उसके पहले होगा, फिर जो है हमारा ई वो पहले शब्द में आ रहा है तो ई जो है पहला वाला वो यहाँ पे आएगा, और डी जिसमें आते हैं दूसरे में सबसे स्टार्टिंग में होगा। तो शुरुआत से देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 4 5 3, तो ये वाला जो है हमें सी में मिलता है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। साथियों इस सेक्शन में हम आपकी वोकैबुलरी या शब्दावली को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो पिछला प्रश्न था उसमें जो भी अंग्रेजी की शब्द थे उन्हें लिखा है और उनका अर्थ आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पहला शब्द जो था हमारा सिलेक्ट, उसका मतलब होता है अंग्रेजी में कि केयरफुली चूज एज बीइंग द बेस्ट और मोस्ट सूटेबल। इसको हम हिंदी में चयन करना या छांटना भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी भी ऑप्शन का चयन करना है या विकल्प का चयन करना है, किसी भी चीज का चयन करना है या उसे छांटना है, तो हम कह सकते हैं कि आपको उस चीज को सिलेक्ट करना है। दूसरा शब्द हमारा सेल्डम है, इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है नॉट ऑफन या रेयरली, हिंदी में हम कहते हैं इसे कभी कभी। तो अगर आप कोई भी काम कभी कभी या कभी कभार करते हैं तो हम कह सकते हैं आप उसे रेयरली या सेल्डम करते हैं। तो आखिरी शब्द है वो है सेल्फिश, इसका मतलब होता है कंसर्न चीफली विद वंस ओन पर्सनल प्रॉफिट, हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वार्थी। तो कोई भी इंसान अगर स्वार्थी है तो आप कह सकते हैं अंग्रेजी में कि वो बहुत सेल्फिश है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट आया इस वीडियो में या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।